साथियों, कल शिक्षक भर्ती के सवाल पे राज्य सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से जवाब आया कि हमारे पास शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात पर्याप्त है। जितने शिक्षक चाहिए हमें विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों में, उतने हमारे पास पर्याप्त है, इसीलिए कोई नई शिक्षक भर्ती विचाराधीन नहीं है, कोई नई शिक्षक भर्ती को निकालने का इनका कोई विचार नहीं है, कोई प्रक्रिया अभी इनकी नहीं शुरू होने वाली है। सर, मेरा साधारण सा सवाल है, अगर आपके पास रेशियो समान है और आपके पास बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया, जिन्होंने डीएलएड किया, और हमारी सेंट्रल संस्थाओं ने, सीबीएसई ने उन्हें सीटेट पात्र सर्टिफिकेट दिया, एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने सीबीएसई ने कराया, उसे एलिजिबल सर्टिफिकेट दिया, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि जॉब क्रिएट करना? जॉब क्रिएट करना किसकी जिम्मेदारी है? ये तो अपने देश के बच्चे हैं, अपने राज्य के बच्चे हैं, फिर कहाँ जाएंगे भर्ती लेने? आपने कह दिया कि हमारे पास अनुपात समान है, इसलिए हम कोई नई शिक्षक भर्ती के बारे में नहीं सोच रहे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा आपने एक बार आपने सोचा कि पिछले 6 सालों में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, उसके बावजूद भी आपका रेशियो सही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं आ रहे, उनकी संख्या नहीं बढ़ रही, इसीलिए तो मान लेते हैं कि इन 6 सालों में कोई शिक्षक रिटायर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अगर आपका रेशियो समान है, इसका मतलब नए बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चों का ग्राफ सरकारी स्कूलों में नहीं बढ़ रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने सरकारी स्कूलों को प्रमोट करे, बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में, लेकिन नहीं, हम तो खामोश हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, हमारी केंद्र सरकार हो, हमारी राज्य सरकार हो, भाजपा की सरकार है दोनों जगह पे, और आप लोग सीना ठोक के कहते हैं कि हम इतने करोड़ गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं। अब जरा आप सोचिए कि अगर वो फ्री राशन दे रहे हैं, राशन खाने पीने तक के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे निर्भर है, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ा कहाँ रहे हैं? इसका मतलब नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो एडमिशन के ग्राफ नहीं बढ़ रहे, फिर वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे, अगर उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है तो वो प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे सर, फिर वो नहीं पढ़ा रहे। आपने कभी इस पर विचार किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकारी स्कूलों में एडमिशन आए ये आप चाहते नहीं। BSNL की सिम अभी कोई यूज़ नहीं करता, BSNL एक सरकारी संस्था थी, BSNL आज खराब हो गया, कोई यूज़ नहीं कर रहा। शायद आपका भी यही प्लान है कि सरकारी स्कूलों को इतना गिरा दो कि सारे लोग प्राइवेट स्कूल हो जाएं, फिर आप बेच दीजिएगा सरकारी स्कूलों की ज़मीनों को और बेच दीजिएगा सरकारी स्कूलों को, शिक्षक भर्ती तो आपने ऑलरेडी बंद कर रखा है। ज़रा लॉजिक लगाइए कि जो परिवार फ्री राशन ले रहा है, जो परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुफ्त का राशन ले रहा है, वो राशन खरीद के नहीं खा पा सकता, उसके पास इतनी ज़मीनें नहीं है कि उसके घर इतना राशन हो कि वो राशन लेके खा सकता है, फिर वो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा ही नहीं सकता। एक बच्चे की जितनी स्कूल की फीस होगी पूरे साल की, उतने में उसका पूरा राशन आ जाएगा, पूरा परिवार वो कैसे खिलाता? इसका मतलब वो नहीं पढ़ा रहा है। तो जब आप नहीं पढ़ा रहा है तो फिर कहाँ क्या करें? सरकारी स्कूलों को आप प्रमोट करिए। हर एक पेरेंट्स की क्या शिकायत होती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तो क्या ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान नहीं है? हर एक माँ बाप प्राइवेट स्कूल में इसीलिए भेजता है कि प्राइवेट स्कूल में उनकी मान्यता है कि पढ़ाई अच्छी होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जिन परीक्षाओं को पास करके आते हैं, उसी परीक्षा में फेल होने के बाद वो शिक्षक प्राइवेट में पढ़ाता है। अगर वो फेल होकर प्राइवेट में अच्छा पढ़ा लेता है तो पास होने वाला विद्यार्थी सरकारी में क्यों नहीं अच्छा पढ़ाता? उसके पास क्या सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है या फिर शिक्षक नहीं है? ये क्या कमी है, इसके बारे में कौन विचार करेगा? सरकार विचार करेगा, हम विचार करेंगे? हम भी एक घर के अगर गार्जियन हैं, हमारे घर के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, तो अगर आप सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देंगे तो हम क्यों प्राइवेट में भेजेंगे? लेकिन आप चाहते ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, शिक्षक भर्ती ले आया जाए और सरकारी स्कूलों में मुहिम चलाया जाए, हम लोग को जागरूक करें कि आप बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजिए, हम सरकारी स्कूलों में एडमिशन को प्रमोट करें, लेकिन हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमें जिम्मेदारी ही नहीं है सर, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन हो, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का एडमिशन होगा तो आपको नई शिक्षक भर्ती लानी पड़ेगी, फिर उनको सैलरी देना पड़ेगा, उन बच्चों को किताबें देनी पड़ेगी, उन बच्चों को बैग देना पड़ेगा, तो ये अपनी जिम्मेदारी से आप साफ तौर पर भाग रहे हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते तो 6 साल के बाद भी आप ये नहीं कहते कि हमारे पास रेशियो सही है, भाई रेशियो सही है, हम इसलिए भर्ती नहीं दे रहे। अगर आपके पास रेशियो सही है तो ये तो खुशी की बात है कि आपके पास काबिल टीचर हैं, रेशियो सही होने के बावजूद भी आपके पास बीएड डीएलएड सीटेट पास बच्चे हैं, उनका क्या करेंगे आप? और मुझे एक कोई शिक्षक भर्ती के अलावा कोई एकमात्र ऐसी भर्ती दिखा दीजिए जिसमें ये स्पेसिफिकेशन दिया जाता हो कि बीएड आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। कोई नहीं है सर, बीएड डीएलएड सिवाय शिक्षक भर्ती के किसी और पोस्ट में नहीं अप्लाई कर सकते उस बीएड के डिग्री के आधार पे। लेकिन वो फिर कहाँ जाएं अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं देंगे तो? तो सीधा साधा सवाल है सर, मैं देखिए सरकार हमारी है, सरकार अपनी है, सरकार में रहने वाले मंत्री भी हमारी वजह से और देश की जनता भी हमारी है,
क्रिटिसिजम्स के अलावा सर बड़े ही प्यार से विनम्रता से सम्मान से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग पास हो चुके हैं उनके लिए रोजगार के साधन मुहैया कराए जाए, जॉब क्रिएट किया जाए, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या करेंगे बीएड और डीएड के बच्चे अगर आप इस तरह से कह देंगे कि हमारे पास अगर आपके पास रेशियो सही है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत की बात है। फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करिए ना सर, आप प्राइवेट स्कूलों को गोद लीजिए, आप उस प्राइवेट स्कूलों में आधा सरकारी शिक्षकों को डालिए, या फिर एक काम करिए कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो मानदेय होता है वो तय करिए। आपको पता है गांव में 5,000, 6,000, 10,000 रुपये लोग पढ़ाते हैं और उसी प्राथमिक के लिए सरकार 30,000 और 40,000 रुपये देती है। तो कम से कम आप एक मानदेय तो तय करिए कि इस क्लास में पढ़ाने के लिए आपको कम से कम आप जो न्यूनतम मूल्य होती है वो तो तय करिए कि शिक्षक का न्यूनतम मूल्य 15,000 या 20,000 रहेगा। हम आपसे 40,000 या 30,000 की मांग नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो तय करिए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को इतना मिलेगा। अभी रिसेंटली सर सोचिए आप, रिसेंटली भारत की शिक्षा विभाग से नोटिफिकेशन आ गया कि आप 16 साल से कम बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ट्यूशन पढ़ा नहीं सकते और सरकार के पास वैकेंसी है नहीं, तो फिर तो बीएड और डीएड को कोर्स को ही बंद कर देना चाहिए। फिर मतलब क्या है सर, फिर तो इस बीएड और डीएड का कोर्स ही बंद कर देना चाहिए। फिर क्यों चला रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास और संख्याएं बढ़ रही है। तो सर देखिए, हकीकत यही है कि ये गैर जिम्मेदारानापूर्ण बयान है कि आपके पास रेशियो इक्वेलेंट है, रेशियो समान है, रेशियो पर्याप्त है, इसीलिए आप नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। सीधा साधा बात यह है सर कि आप अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। आपको कोई चिंता नहीं है कि जो बच्चे इन 2018 के बाद से 6 सालों में जो नए बच्चे पास हुए हैं उनका उस सर्टिफिकेट, उनकी उस पढ़ाई का क्या मतलब है, वो इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो इसका क्या करेंगे। आपने प्राइवेट कोचिंग भी बंद करा दी कि वो कोचिंग नहीं पढ़ा सकते, सब कुछ कर दिया आपने, नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रहे। तो बस एक और काम कर लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जो मानदेय होता है, कम से कम न्यूनतम मानदेय आप तय कर दीजिए कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक का पढ़ाता है तो न्यूनतम मानदेय 15,000 होना, जितना भी आपको समझ में आए इतना होना चाहिए। अगर वो जूनियर में पढ़ाता है तो उसका मानदेय इतना होना चाहिए, अगर वो पीजीटी अध्यापक है 11th और 12th का तो उसका न्यूनतम मानदेय इतना होना चाहिए, ये तय कर दीजिए। तो कम से कम एक सहारा हो जाएगा ये बीएड डीएड पास, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पास, यूपीटेट पेपर 1 पेपर 2 पास, इन बच्चों का एक सहारा हो जाएगा कि चलो कम से कम इतना मानदेय तो हमें प्राइवेट में भी मिल जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए, अगर आपके पास अनुपात सही होने के बावजूद भी अभ्यर्थी हैं जो कि पात्र अभ्यर्थी हैं, उनकी पात्रता का सर्टिफिकेट हमारी केंद्र सरकार की संस्था CBSE ने ही दिया है, तो उनको बच्चों के बारे में सोचिए। पात्र अभ्यर्थी हैं तो आप जॉब क्रिएट करिए, जॉब क्रिएट करना सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।